कुछ ही टाइम पहले संदीप माहेश्वरी शो में मेंटलिस्ट सुहानी शाह ने ऑडियंस के सामने लाइव माइंड रीडिंग करके सबको शॉक कर दिया था। ये तो भाई सबको दिखाना बनता है, ये तो कमाल हो रहा है। इसके बाद अब पिछले कुछ दिन से सुहानी और उनकी माइंड रीडिंग करने की ये कला दोनों ही लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी न्यूज चैनल पर वो जाकर लाइव माइंड रीडिंग करके ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रही हैं जो हमारे भोले भाले लोगों को कुछ ट्रिक्स का यूज करके उन ट्रिक्स को नाम दे देते हैं चमत्कार का और अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। माइंड रीडिंग की यह आर्ट कोई जादू नहीं होती, इसे कहते हैं मेंटलिज्म। मेंटलिज्म को परफॉर्म करने वाले लोगों को मेंटलिस्ट कहा जाता है। मेंटलिज्म के अंदर माइंड रीडिंग के अलावा हिप्नोसिस, साइकोकाइनेसिस, माइंड कंट्रोल, प्रीकॉग्निशन, रैपिड मैथमेटिक्स जैसी आर्ट फॉर्म्स आती हैं। इन आर्ट्स को हमारे यहाँ के मोस्टली लोग जादू की नज़र से देखते हैं। ये माइंड रीडिंग जैसी चीज़ें दिखने में तो सुपर नेचुरल पावर जैसी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऑर्डिनरी ह्यूमन एबिलिटीज़ को समझकर सीखी जा सकती है। माइंड रीडिंग कैसे काम करती है, चलिए जान लेते हैं। जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी और दूसरे बिहेवियरल साइंस को पढ़ लेता है, समझ लेता है, वो कुछ की प्रिंसिपल्स का यूज करके माइंड रीडिंग को प्रैक्टिस कर सकता है। इन की प्रिंसिपल्स में मेनली आता है रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, रिफाइंड इंट्यूशंस, सबलिमिनल कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस की इन डेप्थ नॉलेज। कुछ ट्रिक्स जिनका यूज मोस्टली मेंटलिस्ट करते हैं और जिसे लोग सुपर नेचुरल पावर समझते हैं, उनमें सबसे पहले आता है स्लाइट ऑफ हैंड। इसे हम अपने लैंग्वेज में हाथ की सफाई कहते हैं। ये ट्रिक एक प्योर इल्यूजन होता है जो परफेक्ट मेंटलिस्ट लोगों की आंखों के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं और लोगों को भनक भी नहीं होती। इसको काफी तेजी से यूटिलाइज करना होता है, फुली स्किल्ड मैजिशियन ही इसका यूज कर सकते हैं, जिससे आने वाला आउटकम लोगों को अनबिलीवेबल लगता है। हैंड जेस्चर्स, ट्रिक की स्पीड और स्मूथनेस इतनी ज्यादा होती है कि इसको स्पॉट कर पाना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली लोगों का फोकस किसी दूसरी जगह होता है और एक्चुअल ट्रिक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में छुपी होती है। दूसरा सबसे पॉपुलर है माइंड रीडिंग। इसको लोग प्योर मैजिक समझते हैं या ओवर स्मार्ट लोग इसको स्क्रिप्टेड बोल के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ये दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो ये स्क्रिप्टेड होता है और ना ही ये कोई मैजिक है। इसमें काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना यूज किए जाते हैं जो विदाउट एनी डाउट काफ़ी मुश्किल काम है। देखिए, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों स्किल्स का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट यू मे बी सरप्राइज, पर हमारी पूरी कन्वर्जेशन का 80% इन्फॉर्मेशन नॉन वर्बल रहता है। पहला फिनोमेना जिसका यूज मेंटलिस्ट माइंड रीडिंग के लिए करते हैं वो होता है कोल्ड रीडिंग। इस टेक्निक में सारा काम ऑब्जर्वेशन का होता है। मेंटलिस्ट आए हुए इंसान की बॉडी लैंग्वेज, एज, क्लोथिंग स्टाइल, जेंडर, हेयर स्टाइल, मैनर ऑफ स्पीच और एजुकेशन लेवल जैसी बेसिक नॉलेज इनडायरेक्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को बात करते हुए बैकएंड पे एनालाइज करते रहते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी गैस करके अपना आंसर दे देते हैं। अगर मेंटलिस्ट के ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और गैस ठीक हो जाता है तो अनबिलीवेबल मैजिक, वरना क्वेश्चन चेंज करके किसी दूसरी ट्रिक का यूज। और ये दूसरी ट्रिक या फिर दूसरा फिनोमेना होता है द बर्नम इफेक्ट। सिंपल वर्ड्स में इस फिनोमेना को समझें तो लोगों का जनरल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट या क्वालिटी बताई जाती है जो बहुत कॉमन होती है और मोस्टली लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर करते हैं। अगर आप जोडियक साइन में बिलीव करते हो तो अपने साइंस में दिए गए सारे स्टेटमेंट आपको रिलेटेबल लगने लगते हैं। यही बर्नम इफेक्ट होता है। ये एक टाइप का एक्सेप्टेंस फिनोमिना होता है, यानी जो भी मेंटलिस्ट बोलता है अननोइंगली हम वो सब एक्सेप्ट करते जाते हैं। इसी तरह की कुछ कॉमन लाइन्स हैं जिनका यूज़ एस्ट्रोलॉजर या माइंड रीडर करते हैं। आपके कुछ ड्रीम्स अनरियलिस्टिक हैं, या फिर कभी कभी आपको खुद पर डाउट होता है कि क्या आपने सही डिसीजन लिया है। आप जल्दी किसी के साथ फ्रैंक होना पसंद नहीं करते। इसी तरह के बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट का यूज़ एज, जेंडर और बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किया जाता है जो हमें रिलेटेबल लगता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो माइंड रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स और डीप नॉलेज के साथ परफॉर्म की जाने वाली आर्ट है। मेंटलिस्ट अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इस आर्ट को और भी ज़्यादा बेहतर तरह से परफॉर्म करने में देते हैं। मेंटलिज्म बहुत इंटरेस्टिंग और फन टू लर्न सब्जेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब कुछ सेल्फिश लोग इसे रिलीजन से जोड़कर, मैजिक या सुपर नेचुरल पावर का नाम देकर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइकोलॉजी क्लासेस को।